हाँ बच्चों, जैसे कि आप लोग मुझे जानते हो, मैं उमेश आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों, हम लोग इसके पहले क्या देख चुके थे? आण्विक ठोस देख चुके थे। आण्विक ठोस में क्या क्या देख चुके थे? अध्रुवीय आण्विक ठोस, ध्रुवीय आण्विक ठोस और हाइड्रोजन अबंधित आण्विक ठोस को हम लोग समझ चुके थे। आयोनिक ठोस को समझना था, जो कि हमारा छूट चुका था। वीडियो की साइज काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चली थी, जिसकी वजह से हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले थे, तो देख रहे हैं। तो देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आयोनिक ठोस, ठीक है? आयोनिक ठोस को पढ़ने वाले, ये जो ठोस बनाया हुआ है मैंने, देखो ये एक ठोस बनाया हूँ मैं। इस ठोस के अंदर आप देख रहे होंगे कि मैंने क्या बनाया हुआ है। ये जो NaCl लिखा है, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? परमाणु दिखाई दे रहा है, ठीक है? NaCl परमाणु है, ठीक है? पहले से मैंने काफ़ी ज़्यादा परमाणु को समझा चुका हूँ मैं, तो परमाणु और अणु अब आपको नहीं समझाऊंगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बार समझा चुका हूँ, उसमें टाइम चले जाएगा, ठीक है? तो देखो, यहाँ पे ये क्लोरीन क्या है? परमाणु है। सोडियम भी क्या है? परमाणु है। और ये परमाणु सब के सब लगे हुए, लेकिन आप लोग एक बात गौर करो ना इसके अंदर। देखो, ये जो परमाणु है, परमाणु के ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा होगा? ये देखो, यहाँ पे ऋण आवेश दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे धनावेश दिखाई दे रहा होगा, धन आवेश, ठीक है? और यहाँ पे देखो, ये देखो, यहाँ पे देख लिया, सोडियम के ऊपर क्या आएगा? धन आएगा, धन का निशान आएगा, तो क्या बोलेंगे? धनावेश। और क्लोरीन के ऊपर ये ऋण का आवेश आया, तो इसको क्या बोले? ऋणावेश, ठीक है? और देखो, इसको कैसे समझना है आपको। सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिया? NaCl का एक परमाणु अणु लिया। क्या लिया आपने? अणु लिया। और इस अणु को क्या किया आपने? द्रव्य में डाल दिया। ये आपका, देखो, ये आपका जो भी है, जिसके अंदर आप लोगों ने पानी भर रखा है, इसके अंदर डाल दिया। इसके अंदर जब डाल दिया तो क्या हुआ? देखो, सोडियम टूट गया किसके अंदर? धनात्मक वाले निशान में। और क्लोरीन टूटा किसमें? ऋणात्मक वाले निशान में। ये जैसे टूटे तो इसके ऊपर धनात्मक आ गया और इसके ऊपर ऋणात्मक आ गया, ठीक है? तो ये जो इनके ऊपर क्या है, ये जो आवेश आपको दिखाई दे रहे हैं ना, धनात्मक और ऋणात्मक, इस आवेश को ही हम लोग क्या कहते हैं? आयन। और ये पूरा का पूरा, देखो, ये आवेश को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? आयन। और ये पूरा का पूरा जो ठोस है, पूरे के पूरे ठोस के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? पूरे के पूरे ठोस में ही आपको धनात्मक और ऋणात्मक आवेश दिखाई दे रहे हैं, और इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं? आयन। तो क्या मैं इस ठोस को आयोनिक ठोस बोल सकता हूँ या नहीं? बोल सकता हूँ दोस्तों। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि हम लोग इसको आयोनिक ठोस क्यों बोल रहे हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे देखो, ये मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए बताया हुआ है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, डायग्राम या फोटो देख रहे हैं, फिगर देख रहे हैं, तो ये 2D है। क्या है? 2D। देखो दोस्तों, आप लोग मुझे अभी अपने मोबाइल में देख रहे होंगे, तो मैं भी आपके सामने 2D जैसे खड़ा हूँ। देखो, ये मार्कर है, आप लोग इस मार्कर को सामने से देख सकते हो। कैसे? सिर्फ और सिर्फ आपको इसका यही भाग दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे कुछ हद तक यहाँ भी देख रहा हूँ और यहाँ भी दिखाई दे रहा है, ठीक है? लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ यही दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? तो आप 2D में देख रहे हो मुझे, लेकिन जब मैं ऐसे देखूंगा तो देखो, मैं यहाँ पे भी जैसे कुछ बोल रहा हूँ कि कुछ हद तक मैं यहाँ भी देख सकता हूँ और कुछ हद तक यहाँ भी देख सकता हूँ। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? इसको 3D देख रहा हूँ। मैं इसको ऐसे भी देख सकता हूँ, ऐसे भी देख सकता हूँ, देख सकता हूँ या नहीं? लेकिन आप देख सकते हैं क्या? नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ यही सामने वाला हिस्सा ही देख सकते हैं। मतलब आप 2D में देख रहे हैं, और मैं इसको असली में जब चारों साइड देख सकता हूँ तो मैं 3D में देख रहा हूँ, ठीक है? तो ये जो जो अभी मैंने आपको समझाया, 2D और 3D, जो मैं बनाया हूँ ये 2D में बनाया हूँ, लेकिन ये असली में कैसा है? 3D में है। 3D में है मतलब ये जो ठोस, जैसे आपका मोबाइल रखा हुआ होगा ना, अभी आप जो पकड़ के बैठे हो वो 3D, आपकी पेन जो है वो 3D में, तो ये ठोस भी कुछ ऐसा ही रखा हुआ होगा, ठीक है? तो जब ये देखो, 3D तो इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? त्रिविमी विन्यास, ठीक है? इसका मतलब जो अभी मैं आपको अभी समझा चुका 3D वाला, वैसे में ये पूरा का पूरा ठोस रखा हुआ होगा। जब ये
ठोस। देखो दोस्तों ये हिंदी में ज़्यादा ही अटपटा लग रहा है तो डायरेक्ट इंग्लिश में बोलते हैं 3D, ठीक है। 3D बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है, नहीं तो आप हिंदी में हो तो हिंदी में ही बोल लो त्रिविमी विन्यास। क्या बोलते हैं? त्रिविमी विन्यास, ठीक है। त्रिविमी विन्यास में ऐसा रखा हुआ होगा तो वो क्या, पूरा का पूरा ठोस जब ऐसे रखा हुआ होगा तो पूरे के पूरे 3D में कैसा होगा, पूरा का पूरा सोडियम एक लाइन रखा होगा, क्लोरीन रखा होगा, इधर भी रखा होगा, नीचे भी होगा, यहाँ भी होगा, तो पूरे का पूरे एक ईंटे जैसा रखा हुआ होगा, ठीक है। तो ये जो आपको आयन दिखाई दे रहे हैं ना, इसको मैं आयन बोल सकता हूँ या नहीं? सोडियम धनात्मक और क्लोरीन ऋणात्मक को आयन बोल सकता हूँ मैं। तो इन आयनों के बीच में देखो ये सोडियम और ये क्लोरीन, तो इन आयनों के बीच में, इन आयनों के बीच में आपको कोई ना कोई बंध दिखाई देगा, जिससे ये कोई ना कोई बंधन दिखाई देगा, जिससे ये बंधे हुए होंगे। तो वो कौन सा बंध या आबंध होगा जिससे ये बंधा हुआ होगा? तो दोस्तों इसको बोलेंगे हम लोग स्थिर विद्युत बंध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्थिर वैद्युत बंध बोलेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। स्थिर वैद्युत बंध का मतलब क्या होता है? ये देखो आपको आयोनिक ठोस क्यों बोलते हैं, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर इसको कैसा रखा गया है? 3D में रखा गया है, जिसको बोलते हैं त्रिविमिनी विन्यास, जो मैं अभी आपको समझा चुका हूँ। अब क्या होता है, देखो स्थिर वैद्युत बंधन, अब इस शब्द का मतलब क्या है? ये क्या है? ये वो बल है जो सोडियम और क्लोरीन आवेश दोनों को आपस में दोनों आयनों को बांध के रखा है। तो दोस्तों देखो जब ये ऐसे टूट चुके हैं, जब ये मिटा के फिर समझाता हूं आपको, ज्यादा समझ में आएगा। पहले तो आप इसको बनाना चाहते हो तो बना लो, मैं एक सेकंड के लिए रुक रहा हूं आप लोगों के लिए, वीडियो रोको, मैं हटाऊं फटाक से बनाऊं, क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूं, मुझे जगह चाहिए। देखो तो सर्दी हो चली है तो आवाज आपको थोड़ा फटके आ रहा होगा, तो समझ लेना जरा, सर्दी हो चली है। देखो तो क्या हो गया, सोडियम धनावेश और क्लोरीन ऋणावेश। अब क्या होगा दोस्तों, जब मैं यहां से इसको वैद्युत दूंगा तो ये वैद्युत को लेके चलेंगे दोस्तों, ये वैद्युत को लेके चलेंगे, ये वैद्युत को लेके चलेंगे, मतलब वैद्युत मैं यहां पर दूंगा, यहां पे भी सोडियम होगा, यहां पे भी क्लोरीन होगा, ठीक है। तो ये विद्युत को लेके चलेंगे, मतलब विद्युत मुझे यहां भी दिखाई देगा, ठीक है। सीधा सीधा याद रखो, देखो अभी इलेक्ट्रोड लगाऊंगा, वो सब में ज्यादा टाइम चले जाएगा, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो सोडियम आप देख रहे हैं और ये क्लोरीन देख रहे हैं, तो ये विद्युत को लेके चल सकते हैं। क्यों विद्युत को लेके चल सकते हैं? क्योंकि इनके पास ये आवेश है, ये आवेश होने की वजह से ये विद्युत को लेके चल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इनका विद्युत के साथ संबंध है, ठीक है, बोल सकता हूं या नहीं? जिसके वजह से मैंने क्या बोल दिया, स्थिर विद्युत बल, मतलब वो बल जो दो आवेशों के बीच में है, जो दो ये विद्युत को लेके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विद्युत को लेके जा रहे हैं, और इनके पास क्या है, आवेश। तो मैं क्या विद्युत आवेश बोल सकता हूं या नहीं? तो वो बल जो दो विद्युत आवेश के बीच में होता है, वो बल जो दो विद्युत आवेश के बीच में होता है, जो उन्हें बांध के रखता है, उस बल का नाम ही क्या है, स्थिर विद्युत बल, ठीक है। यह बात क्लियर हो गई कि स्थिर विद्युत बल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बल जो दो विद्युत आवेश को आपस में बांध के रखता है, या फिर जो बल इनके बीच में होता है, उसी को क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत बल, ठीक है। तो ये बातें भी आपको क्लियर हो गई, मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा बल होगा, स्थिर विद्युत बल, यहाँ पे भी, यहाँ पे,
हर जगह ये आपस में कैसे जुड़े हुए होंगे, स्थिर विद्युत बल से जुड़े हुए होंगे। और दोस्तों इस बल की खास बात ये होती है कि ये कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रबल होता है। प्रबल का मतलब क्या है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई कि प्रबल का मतलब क्या हो गया, मजबूत। अगर ये बल बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, अगर ये बल बहुत ही ज़्यादा मजबूत है जो इन आयनों के बीच में, तो क्या मुझे तोड़ने में इसे बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा या नहीं, बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्थिर विद्युत बल है जो दो विद्युत आवेशों के बीच में, वो कैसा है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, तो मुझे ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। मतलब इसका ठोस कैसा होगा, इसका जो ठोस होगा वो कैसा होगा, मजबूत होगा, जिसे आप कठोर बोलोगे, ठीक है। और लेकिन कुछ हद तक आपको भंगुर भी दिखाई देगा। अब इसका मतलब क्या होता है, भंगुर, भंगुर का मतलब होता है बहुत ही नरम, ठीक है, जो आसानी से टूट जाए। मतलब ये आपको मजबूत भी दिखाई दे सकता है और भंगुर भी दिखाई दे सकता है, ठीक है। मजबूत क्यों है, क्योंकि स्थिर विद्युत बल है जिसके वजह से ये मजबूत है, और ये भंगुर भी हो सकता है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, तो ठीक है। अब आप लोग मुझे ये बताओ, जब ये बहुत ही ज़्यादा कठोर है तो इसका गलनांक कैसा होगा, इसका जो गलनांक है वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि ये कठोर है बहुत ही ज़्यादा, तो इनका जो गलनांक होगा, गलनांक क्या होता है, ठोस से द्रव्य में भेजना, मतलब मुझे वहाँ पे ज़्यादा उसमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, ज़्यादा ताप देना पड़ेगा, तब तो जाके ये ठोस से द्रव्य में जाएगा। मतलब इसका गलनांक कैसा हुआ, बहुत ही ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो देखो आप पहले इसको नोट लगाओ और मैं इसको साफ करने वाला हूँ। और एक और पॉइंट देख लो यहीं पे, इसका क्वथनांक क्या, क्वथनांक। अब क्वथनांक क्या होता है, तो क्वथनांक का मतलब है दोस्तों, देखो कोई चीज ठोस है, द्रव्य में जा रही है, और द्रव्य गैस में जा रही है, ठीक है। तो देखो ठोस का द्रव्य में जाना क्या कहलाता है, गलनांक, और द्रव्य का गैस में जाना क्या कहलाता है, क्वथनांक, ठीक है। तो इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों ही बहुत ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत और कठोर है, ठीक है। तो आप लोग इसको लिखो फटाफट, अभी मैं इसको मिटाने वाला हूँ, ठीक है। नहीं तो एक काम करो, देख लो दो ही पॉइंट और बाकी है, और इस दोनों चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो ठीक है। देख लो ये, देखो ये ठोस में है, जब ये ठोस में है और मैं इसको यहां से देता हूं विद्युत, इसको मिटा देता हूं मैं, देखो ये क्या है, ठोस है, मैंने यहां से इसको क्या दिया, विद्युत, मैंने इसको विद्युत दिया। तो मैं जब विद्युत देता हूं तो मैं देखता हूं यहां पे, तो यहां तो मेरे को विद्युत नहीं मिलता। मतलब क्या हुआ कि ये विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं लेके जाता। मतलब ये विद्युत का क्या है, अचालक। क्यों अचालक है, क्योंकि विद्युत को वह एक स्थान से लेके दूसरे स्थान तक नहीं जाता। कब, जब ये ठोस अवस्था की बात कर रहा हूं मैं, आप खुद ही सोच लो ना, देखो यहां पे है सब एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, जब मैं बल विद्युत दूंगा तो कौन लेके जाएगा, कोई नहीं लेके जाएगा। विद्युत को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना है तो हमें क्या चाहिए, कोई मुक्त और गमनशील चाहिए। यहां ना तो कोई मुक्त है और ना ही कोई गमनशील है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये नहीं लेके जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, विद्युत का अचालक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, देखो यार अब उसको मिटा ही देता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि अब समझाने में मजा नहीं आ रहा।
आप लोगों ने ये तो देख लिया कि वो ठोस अवस्था में क्या विद्युत को तो नहीं लेके जाता, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको घोल दे रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, इसको पानी में डाल दिया। पानी में डाल दिया तो क्या हो गया, ये Na धनात्मक, Cl ऋणात्मक, Na धनात्मक, Cl ऋणात्मक, फिर Na धनात्मक और Cl ऋणात्मक, और ये ऐसे टूट जाएगा। ये क्या होगा, टूट जाएगा। टूट जाएगा तो मतलब क्या हो गया, ये अब एक दूसरे से क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। जब स्वतंत्र हो गए, अब मैं इसको विद्युत दूंगा। यहां पे जब मैं इसको विद्युत दूंगा, कब, जब ये घुल चुका है, जब ये पानी में घुल चुका है, तब क्या होगा, ये बड़े आराम से विद्युत को लेकर चले जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखो इसके जो आवेश थे अब कैसे हो चुके हैं, स्वतंत्र हो चुके हैं। स्वतंत्र हो चुके हैं मतलब क्या, उनमें एक गति हो गई, मतलब वो गतिशील हो सकते हैं अब, जिसकी वजह से क्या होगा, जब मैं विद्युत यहां पे दूंगा तो वो बड़ी आसानी से यहां पे भी मुझे दिखाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि NaCl यहां पे टूट चुके हैं, टूटने की वजह से स्वतंत्र हो चुके हैं, स्वतंत्र होने की वजह से ये गतिशील है, जिसकी वजह से ये विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा सकते हैं। लेकिन यहां पे देखो सब बंधे हुए थे, यहां पे देखो मैंने इसको तोड़ दिया है। ठीक है, देखो सबको तोड़ दिया है, यहां पे जो जुड़ा हुआ था उसको मैंने तोड़ दिया है। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए थी। तो आप लोग इसको नोट लगाओ फटाफट। देखो मैं हट चुका हूँ, देखो दोस्तों आज ज़्यादा बोलने का मन नहीं कर रहा, तो आवाज़ पूरा फट चुका है, बोलने से गले में थोड़ी दर्द हो रही है, सर्दी हो चला है। तो आप लोग लिखो इसको, नोट लगाओ। ठीक है, नोट लगाने में कोई मनमानी नहीं करनी है आपको, तो नोट लगाना ही है। ठीक है, नोट लगाओ। देखो अब मैं मिटाने जा रहा हूँ, अब अगली हेडिंग लगाओ। अब अगला टॉपिक लगाओ धात्विक ठोस। क्या लगाओगे, धात्विक ठोस। अब देखो धात्विक ठोस क्या होते हैं, नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, नाम से ही पता चल जाता है कि धात्विक ठोस क्या होते रहेंगे। धातु का मतलब क्या होता है, धातु और धातु को क्या होते हैं, लोहा देखते हो आप लोग, लोहा, लोहा, तांबा, ये सब क्या है आपके धातु, जो बड़ी आसानी से आप लोग देखते होंगे। लोहा को तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा जानते होंगे, आप जिस साइकिल पर घूमते हो वो भी क्या है, धातु। ठीक है, तो उसी ठोस को देखने जा रहे हैं हम लोग धातु के बारे में कि धातु। अब नया हेडिंग लगाओ धात्विक ठोस। ठीक है, चलो अब देखते हैं धात्विक ठोस। हर बार की तरह फिर से एक ठोस बना लेते हैं, समझने में आसानी होगी। ये क्या है, एक ठोस। अब देखो ये क्या बना रहा हूं मैं, धात्विक ठोस के परमाणु बना रहा हूं मैं। ठीक है, ये आपको भी अपनी कॉपी में बनाना है। देखो मैं वीडियो रुका के भी बना सकता हूं इसको, लेकिन जब आपके सामने बनाऊंगा ना तो आपको, आप लोग ये बातें देखोगे, जब आप लोग ये बातें देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो अभी सीधे सीधे। ठीक है, जब मैं बना दूंगा डायरेक्ट फिन चालू करो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, परमाणु। और एक परमाणु के पास होता क्या है, पहले तो यहाँ पे समझ लेते, परमाणु का चित्र समझ लेते। मतलब मैं अब इसको निकालता हूँ यहाँ पे, अब मैं इसको यहाँ पे निकाल के समझा रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग इसको यहाँ पे निकाल के समझने जा रहे हैं किसको, एक परमाणु को। तो देखो अब मैं बनाता हूँ एक परमाणु,
ठीक है। अब ये क्या है, कक्षा, ठीक है, जिसको इंग्लिश में ऑर्बिट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कक्षा, जिसे इंग्लिश में ऑर्बिट बोलते हैं। और ये जो आप लोग लाल कलर का देख रहे हो, ये क्या है, नाभि। नाभि का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। तो आप जो देख रहे हैं, ये बाहर गोला, ये कक्षा है, ये नाभि है। और नाभि में होता क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते, ये बात तो आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हो। और कक्षा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी बात आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो देखो, ये हो गया आपका नाभि। नाभि में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन होता है उसके पास क्या होता है, धनात्मक आवेश होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास ऋणात्मक आवेश होते हैं। तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि देखो, प्रोटॉन, प्रोटॉन बराबर होते किसके, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन किसके बराबर होते, इलेक्ट्रॉन के। मतलब ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे ये देखो, आठ इलेक्ट्रॉन मैंने बनाया हुआ है, तो आठ प्रोटॉन होंगे और आठ ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसा मान के चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होते, ये बात तो आप जानते हो, ठीक है। और अगर आठ प्रोटॉन है तो आठ ही इलेक्ट्रॉन भी होगा, ये भी बात तय है। तो देखो, अब क्या हुआ, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको ये मान लेते हैं, यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हो किस पे देख रहे हैं, जीरो डिग्री ताप पे देख रहे हैं। कितने ताप पे, ताप कितना रखे हुए हम लोग, जीरो डिग्री। लेकिन अब इस जीरो डिग्री से बढ़ा के मैं इसको किस पे लेके जाता हूँ, मान लो मैं लेके पहुँच गया 30 डिग्री पे, कितना 30 डिग्री सेल्सियस पे लेके पहुँच गया। कितना ताप दिया मैंने, जी पहले जीरो डिग्री ताप पे था, अब मैं लेके पहुँच गया इसको 30 डिग्री सेल्सियस पे लेके पहुँच चुका हूँ। 30 डिग्री के ताप पे मैं इसको लेके पहुँच गया हूँ, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ ऊष्मीय ऊर्जा होगी। अब ऊष्मीय ऊर्जा होगी तो क्या होगा, देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको बता रहा हूँ आपको, बाकी सब इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, सब इलेक्ट्रॉन घूमने लगेंगे, सब इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। मान लो इसको ज़्यादा एनर्जी मिली तो ये घूमेगा ऐसे, ऐसे घूमा, फिन घूमेगा ऐसे। ये अभी अपने कक्षा में ही घूम रहा, मैं बस आपको बाहर बना के दिखा रहा हूँ कि ऐसे घूमेगा। अब क्या होगा, मान लो इसको घूमते घूमते बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल गई और ये ऐसे बाहर निकल गया, बाहर निकल गया। क्या ये अपनी कक्षा को छोड़ दिया, इसने छोड़ दिया, इसने, जब इसने अपनी कक्षा को छोड़ दिया, अब ये कैसा हो गया, स्वतंत्र, स्वतंत्र हो गया। मतलब क्या, अब ये गतिशील होगा, ठीक है। तो ये तो हुआ एक परमाणु के साथ, ऐसे ही जितने परमाणु लगे हुए होंगे धात्विक ठोस के अंदर, सारे के सारे परमाणुओं के अंदर क्या होगा, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे जब उनको उसमें ऊर्जा मिलेगी। तो एक से ज़्यादा, जरूरी नहीं है कि एक परमाणु एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, ये जरूरी नहीं है, कोई एक से ज़्यादा भी दे सकता है। क्या बोला मैं, कि परमाणु जो है एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है। क्यों देगा, क्योंकि यहाँ पे तो उसमें ऊर्जा ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसको उसमें ऊर्जा मिली और ये घूमना चालू किया, और ये घूमते घूमते देखो इसने अपना कक्षा छोड़ दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, अब ये स्वतंत्र हो चला है। तो ऐसे ही सब इलेक्ट्रॉनों के साथ होगा, कैसे होगा, सॉरी, ऐसा सब इलेक्ट्रॉनों के साथ नहीं होगा, सारे के सारे परमाणुओं के साथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे परमाणु एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ठीक है, छोड़ देंगे, स्वतंत्र कर देंगे। अब देखो इसको मिटा रहा हूँ मैं, अब आपको समझ में आ गया ना कि पूरे के पूरे कैसे हो जाएंगे, परमाणु इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो एक बात तो बताना रह गई, देखो जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो कितना, आठ प्रोटॉन और आठ इलेक्ट्रॉन लिया था मैंने, तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब क्या, आठ में से एक घटा दो, कितना बचा, सात बचा, सात इलेक्ट्रॉन बचा। अभी भी इसके पास कितना है, आठ, तो देखो आठ में से सात घटाओ तो कितना बचता है, एक, ये धनात्मक था, ये ऋणात्मक था,
मतलब एक धनात्मक, मतलब अब जो परमाणु होगा वो कैसा हो चुका है, धनात्मक। क्यों धनात्मक हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां से, देखो ना अभी मैंने ऐसे बनाया हुआ था, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल चुका था, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक धनात्मक तो एक ऋणात्मक तो निकल गया आठ में से, जिसकी वजह से सात इलेक्ट्रॉन बचे, सात ऋणात्मक बचे और आठ धनात्मक बचे, तो सात में से आठ में से सात को घटाओ तो एक बचा, मतलब एक धनात्मक आवेश आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे, हर एक परमाणुओं में ऐसा दिखाई देगा। अभी देखो इसका असली वाला चित्र बनाने जा रहा हूँ, ये तो अभी आपको समझाना था इसलिए ऐसा बनाया, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बातें तो आपको समझ में आ गई ना कि वो धनात्मक कहाँ से हुआ था, ठीक है। तो बुक में जब ऐसा लिखा हुआ मिलेगा धनात्मक, तो कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। आपको इतनी बारीकी से पढ़ाता हूँ मैं कि आपको तो कन्फ्यूज होने का कोई चांस ही नहीं देता मैं, ठीक है। बस आपको एकदम ध्यान से वीडियो देखनी है। ये देखो अब क्या हुआ था, हर एक परमाणु थे तो हर एक परमाणु को दे दो धनात्मक धनात्मक, ठीक है। अब परमाणु धनात्मक कैसे हुए वो आप लोग जानते हो, अभी इलेक्ट्रॉन भी बना रहा हूँ, चिंता मत करो, पहले धनात्मक बना लें दो, ठीक है। दोस्तों मुंबई में बारिश हो रही है, ठीक है, देखो अभी बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, माइक कैच कर रहा होगा, ठीक है। देखो ये तो हर एक परमाणु क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, कई सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, पूरा इलेक्ट्रॉनों का समुद्र बन जाएगा। मतलब कैसे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये जो एक 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 या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनों का समुद्र, इलेक्ट्रॉन का समुद्र, इलेक्ट्रॉन का समुद्र हो जाएगा, पूरे के पूरे कई सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन का समुद्र। और आपका ये धनात्मक जो है परमाणु वो उसके अंदर ही रहेगा। अब भी मैंने आपको बोला ये इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा, स्वतंत्र, स्वतंत्र है मतलब क्या, ये गतिशील होगा, अभी जो समझाया था वही लिख रहा हूँ, स्वतंत्र हो गया मतलब गतिशील हो गया, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का समुद्र आ गया इसके पास। अब क्या आप लोग मुझे बता सकते हो, अब तो आप यहाँ से कई सारी चीज़ें आप तो खुद सोच सकते हो, कैसे सोच सकते हो, देखो जब मैंने इसको यहाँ से विद्युत दिया, यहाँ से जब मैंने इसको विद्युत दिया तो क्या इसके पास स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है, हाँ है भाई, देखो कितने सारे स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है। तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है मतलब क्या, ये विद्युत को यहाँ से लेके यहाँ पे पहुँचा देंगे, यहाँ तक पहुँचा देंगे। मैंने विद्युत कहाँ दिया, यहाँ पे, और ये विद्युत को लेके पहुँचे कहाँ, यहाँ पे, पहले स्थान से दिया दूसरे स्थान पे लेके पहुँच गए, बहुत ही आसानी से लेके पहुँच गए। क्यों पहुँच गए, क्योंकि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन थे जिसकी वजह से ये यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। मतलब ये विद्युत को ले जा सकते हैं, वैसे ही अब मैं क्या कर रहा हूँ इन्हें, ये तो बात हुई विद्युत की, अब देखो अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, अब मैं दे रहा हूँ इसको ऊष्मीय ऊर्जा, क्या दे रहा हूँ, ऊष्मीय ऊर्जा का मतलब क्या, अब मैं इसको यहाँ से गर्म कर रहा हूँ। जब मैं इसको यहाँ गर्म करता हूँ तो मैं देखता हूँ गर्म, तो मैंने मोमबत्ती गर्म मैंने कहाँ किया, यहाँ पे मोम, देखो यहाँ पे लगाया मोमबत्ती, यहाँ पे लगाया मोमबत्ती, अब मोमबत्ती यहाँ पे लगाया तो मैं देखता हूँ कि मुझे गर्म यहाँ पे भी लगता है। ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि इसके पास भैया क्या थे, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन थे, जिसके वजह से क्या हुआ, ये यहाँ से इस ऊष्मीय ऊर्जा को लेके यहाँ से एक स्थान से लेके दूसरे स्थान तक गए, ठीक है, जिसके वजह से मेरे को यहाँ पे भी गर्म लगा और यहाँ पे भी गर्म लगा। यहाँ तो मैं ऊष्मीय ऊर्जा दूंगा, जाहिर सी बात है गर्म होगा, लेकिन गर्म यहाँ भी लगा, क्यों, क्योंकि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन थे जो ऊष्मीय ऊर्जा को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचे। ये बातें क्लियर हुई, तो ये दोनों बातें क्लियर हो गई। और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ना स्वतंत्र, ये पूरे के पूरे ठोस में पाया जाएगा, सर्वत्र ठोस, पूरे के पूरे
ठोस में फैला होगा, उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे, सर्वत्र ठोस में पाया जाएगा, ठीक है। तो ये बातें भी आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ये था आपका धात्विक ठोस। और देखो अगर बात कर ले, देखो बुक में आपको गलनांक नहीं दिया इसका, लेकिन अगर बात कर ले अगर इसके गलनांक की, जैसे कि सब ठोस में पढ़ते हैं हम लोग, तो ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि ये ठोस है, ये धात्विक ठोस है, और धात्विक ठोस बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है, मतलब ज़्यादा होगा। और ये देख रहे हो, और ये विद्युत के तो चालक है और उष्मीय ऊर्जा के भी चालक हैं, तो यहाँ पे ये बात हो गई, ठीक है। और देखो आप लोग धातु, देखो धातु को आप लोग जब देखते हो तो आपको धातु चमकता हुआ दिखाई देता है। कभी भी आप लोहा काट के देखो तो आपको उसमें चमक दिखाई देगी। चमक क्यों होती है? इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही होती है, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से इसमें चमक होती है। देखो कभी भी आप लोहे को अंधेरे में रख दो ना तो नहीं चमकेगा, जैसे ही आप उजाले में रखोगे तो चमकेगा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जब इनको आप धूप में रखोगे तो क्या होती है, इनको ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलने की वजह से क्या होता है? अब देखो दोस्तों, इसको मैं थोड़ा इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल करता हूँ। ये पहले होते हैं ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट से किस में चले जाते हैं, हाईली एनर्जी वाले स्टेट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, इसके पास एनर्जी आ जाती है। सीधे सीधे याद रखो, ये सब छोड़ दो। जब आप इसको धूप में रखते हो तो इसको ऊर्जा मिलती, ऊर्जा मिलने की वजह से क्या, इसमें एक चमक पैदा होती है, जिसकी वजह से ये चमक आती है इसमें। और लोहे को दोस्तों आप सोने के दुकान पे जाओ, जो सोने चांदी की दुकान होती वहाँ पे जाओ, तो वहाँ पे देखो सोने को अलग अलग आकार में ढाल दिया जाता है, तो मतलब ये आघात वर्धनीय होती है, मतलब अलग अलग आकार दिया जा सकता है। और ये पीठ के, जिसको एकदम नहीं क्या आप लोग देखे होंगे गाँव में, पीठ के लोहे के कई सारे चीज़ें बनाई जाती है, तो वो भी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिले। इसको हम लोग आसानी से खींच सकते, देखो सोने की तार को हम लोग आसानी से खींच सकते हैं, ठीक है। तो इसमें खींचने वाली आती है, आघात वर्धनी हो गई ये सब, और चमक होती है इसके अंदर। उष्मीय ऊर्जा को ले जा सकते हैं, विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों का समुद्र दिखाई देता है इसमें, धनात्मक होते हैं। और ये सब कहाँ से आए, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। देखो अब तो लिखने जैसा कुछ है नहीं, सारी चीज़ें तो मैंने मिटा ही दिया है। देखो दोस्तों हल्का हल्का आवाज़ आ रहा होगा, बारिश चल रही है बाहर, ठीक है। तो लेकिन जो मैं बोलूँगा माइक मेरा ही आवाज़ कैच करेगा, तो एक और ठोस रह गया तो मैं उसको भी ख़त्म कर देता हूँ, ताकि अब हम लोग अगले वीडियो आए तो उसमें एक नई चीज़ों के साथ उसका शुरुआत करें, ठीक है। चलो देखो अब कौन सा ठोस देखना है हमें, अब देखना है संयोजक और अरे इसको मिटाया नहीं क्या, धात्विक ठोस को हेडिंग तो यहीं देंगे ना। तो चलो देखो अब क्या देख रहे हो आप, अब लगाओ सह संयोजक, संयोजक सह संयोजक और नेटवर्क ठोस, ठीक है। अब इसको भी लिख लो भाई, अब इसको समझाता हूँ मैं क्या है। तो देखो अब क्या हुआ, अभी तक हम लोगों देखो जो क्रिस्टली ठोस पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्रिस्टली ठोस का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो इन ये जो देख रहे हो आप सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस के अंदर कौन से ठोस आते हैं, तो दोस्तों इसके अंदर आते हैं आपके क्रिस्टली ठोस। देखो लिखा के बताता हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये देखो यहाँ पे देखो ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्रिस्टली ठोस तो होगा ये, क्योंकि हम लोग क्रिस्टली ठोस का वर्गीकरण कर रहे हैं। क्रिस्टली ठोस, क्रिस्टली ठोस में भी क्या हो, कौन से ठोस, अधात्विक जो कि धात्विक नहीं होंगे, अधात्विक छोटी की मात्रा रहेगी दोस्तों, यहाँ पर मैंने बड़ी की मात्रा लगा दिया। देखो दोस्तों अगर मात्रा उत्रा को लेके मिस्टिक हो जाए तो वो आप लोग बुक से सही कर लेना, ठीक है। क्रिस्टली ठोस में भी कौन सा ठोस जो अधात्विक ठोस होगा, तो दोस्तों क्रिस्टली ठोस में जो अधात्विक ठोस है उन ठोसों के अंदर जो भी उनके परमाणु या फिर अणु हैं उनके बीच में हमें कौन सा बंध दिखाई देगा,
पूरा का पूरा एक सहसंयोजक बंध दिखाई देगा, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग उसको क्या बोलेंगे। देखो मैं बना के बता देता हूँ आपको, ये देखो ये क्या है, मान लो ये अधात्विक ठोस है और ये है इसका अणु मान लो। देखो अब थोड़ा दूर दूर बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अब यहीं पे नहीं तो लो पास पास में बना देता हूँ मैं। दूर दूर इसलिए बना रहे थे कि आप लोग को अब बंद यहीं दिखा देते, लेकिन चलो साइड में अलग से लेके दिखा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये तो हुआ ठोस, कैसा ठोस है ये, अधात्विक ठोस है, मतलब धातु नहीं है ये, ठीक है। तो ये जो ठोस है आप लोग क्या देख रहे हो, ये इसके अणु है, ये इसके क्या है, अणु है। अणुओं के बीच में कौन सा बंध होगा, अब देखो सहसंयोजक बंद होगा। दोस्तों देखो ये बहुत बार बता चुका हूँ तो अब नहीं बताऊँगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो पीछे वाली वीडियो में जाओ, बहुत ही अच्छे से तरीके से समझाओ, फिर समझाऊँगा। फिर वही जो रेगुलर देख रहे हो बोलेंगे सर एक ही बार कितनी बार, एक ही बात कितनी बार समझाते हो, फोकट टाइम ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। यहाँ से देख रहे हो तो पीछे वाली वीडियो में जाओ, बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। तो देखो इनके बीच में कौन सा बंध दिखाई दे रहा है, अणु सहसंयोजक बंध दिखाई देगा। ये पूरा का पूरा इस ठोस को हम लोग जानते हो क्या बोलते हैं, और हम लोग इसको विशाल अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशाल अणु, मतलब बहुत बड़ा। ये जो ठोस होगा उसके अंदर ये बहुत बड़े, विशाल ठोस का मतलब ये नहीं बड़े बड़े ठोस होंगे, उसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब ये है कि कई सारे अणु लगे हुए होंगे, ठीक है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं विशाल ठोस। मतलब कई सारे अणु होंगे, मतलब एक पूरा का पूरा क्या नेटवर्क दिखाई देगा। जैसे देखो कुछ हद तक बना के दिखा देता हूं मैं, ऐसा मान लो बहुत दूर तक होगा, ऐसा होगा, और इसके बीच में क्या होगा, ऐसा होगा, और इसके बीच में पूरा का पूरा क्या होगा, सहसंयोजक बंद होगा। तो ये कैसा दिखाई देगा, सहसंयोजक बंद होगा, तो क्या आपको पूरा का पूरा ऐसा होगा, तो एक नेटवर्क के समान दिखाई देगा, एक जाल के समान दिखाई देगा। तो जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या नेटवर्क ठोस भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और इसको विशाल अणु क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अणु होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई आप, और इनके अणुओं के बीच में सहसंयोजक बंध हमें दिखाई देगा, ठीक है। और ये जो सहसंयोजक बंध होगा इनके बीच में कैसा होगा, बहुत ही ज़्यादा प्रबल होगा। प्रबल होगा मतलब क्या, मजबूत होगा। अगर मजबूत होगा तो मतलब ये ठोस कैसा होगा, कठोर होगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे ये जो सहसंयोजक बंध आप देख रहे हैं ना, ये दिशात्मक होगी, मतलब इनके पास एक दिशा होगी। अगर एक दिशा होगी, दिशात्मक का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे एक अणु है तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी एक अणु है तो ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे, देखो एक बकायदा एक दिशा में चल रही है। ऐसा नहीं कि यहाँ से निकल के ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं, एक दिशा में चल रही है। मतलब ये सहसंयोजक बंध कैसा होगा, दिशात्मक होगा, और ये प्रबल तो है ही, ठीक है। अगर ये प्रबल है, अगर इनके अणुओं के बीच में ये वाला जो बंध है ये मजबूत है, मतलब इसको तोड़ने में मुझे ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब जब मैं इसको ठोस से द्रव्य में बदलूंगा, इसको क्या बोलते हैं गलनांक, तो मुझे कैसा ज़्यादा उसमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, तो इसका गलनांक कैसा होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो गलनांक भी देख लिया हम लोग, अब किसकी बात करेंगे। अब देखो ये विद्युत के अचालक होते हैं, ये विद्युत के क्या होते हैं दोस्तों, विद्युत के अचालक होते हैं, ठीक है, विद्युत के अचालक भी होते हैं, ठीक है। तो ये बातें देखो, ये बस इतना ही था इसके अंदर। और इसके उदाहरण की बात कर ले तो इसके उदाहरण में दो चीज़ें आती, डायमंड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड, चलो डायमंड को याद रखो, ठीक है, डायमंड इसका उदाहरण होता है। लेकिन इसका एक हटके है, देखो यहाँ पे ये विद्युत को तो नहीं लेके जा रही है, जिसकी वजह से हम लोग ने इसको विद्युत का अचालक बोल दिया। लेकिन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी क्या है,
सहसंयोजक ही ठोस है। क्यों सहसंयोजक ठोस है? क्योंकि उसके अणु के बीच में क्या होगा, सहसंयोजक बंद होगा, लेकिन वो तो विद्युत का चालक है, तो उसके अंदर ऐसी क्या खास बात है जो वो विद्युत का चालक है जो ये नहीं है। ठीक है, तो ये बातें अब हम लोग देख लेते हैं, 2 मिनट और बस ये लेक्चर ख़त्म। तो देखो, अगर आपको नोट लगाना है तो लगा लो, मैं हट चुका हूँ दोस्तों, मैं बीच बीच में हटता रहता हूँ इसी के लिए ताकि आप लोग लिख लो। ठीक है, फटाफट फटाफट आप लोग लिखते रहो, ठीक है, नहीं तो मैं सामने खड़ा रहूँगा तो आप लोग लिख नहीं पाओगे, इसके लिए मैं हट जाता हूँ। ठीक है, तो देखो अब मैं मिटाने जा रहा हूँ। अब देखो क्या करने वाले हैं अब हम लोग, आज का हमारा आखिरी टॉपिक चालू, जिसको हम लोग देखने वाले हैं, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? क्योंकि वो सहसंयोजक ठोस है। सहसंयोजक ठोस क्यों? क्योंकि उनके अणुओं के बीच में हमें, उसके परमाणुओं के बीच में हमें क्या दिखाई देगा, सहसंयोजक बंध दिखाई देंगे। सहसंयोजक बंध का मतलब उसके अणु बंध ही होंगे सहसंयोजक बंध से। ठीक है, तो देखो सबसे पहली खास बात, ग्रेफाइट हम लोग इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये विद्युत को, ये चालक की तरह काम करता है, लेकिन बाकी सहसंयोजक ठोस अभी हम लोगों ने पढ़ा वो तो अचालक है। तो इसमें मेन चीज यही पढ़नी हमें कि ये क्यों लेके जा रहा है, चालक क्यों है। तो देखो यहां पे जो कार्बन, जो ग्रेफाइट होता है ना दोस्तों, ग्रेफाइट में आपको ये कार्बन की परत दिखाई देती है। परत दोस्तों देखो, अभी ये जो कार्बन का, ग्रेफाइट का जो सच वाला चित्र वो मैं नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ पे बना भी दूँ तो आपके बुक में बना हुआ है। आप लोग देखो डायमंड के भी चित्र को एक बार देख लेना, जो नेटवर्क ठोस मैंने बोला वो भी अच्छे से बना हुआ है, उसको भी आप लोग देख लेना बुक में, चित्र देख लोगे तो बातें क्लियर हो जाएंगी कैसा इसका बनावट होगी। और देखो ग्रेफाइट वाले भी को भी मैं अभी यहाँ पे नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि अगर बना भी दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा, पूरा घालमेल हो जाएगा। बुक में एकदम मस्त बनाया हुआ है तो आप लोग बुक में एक बार देख लो, अगर अब भी वीडियो रुका के बुक लेके बैठ सकते हो तो बैठ लो, वहाँ पे भी अच्छे से समझाया गया है, चित्र देख लो खाली, बाकी मैं तो समझा ही रहा हूँ आपको। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगी, कई परतें होंगी, ये परतें किसकी होंगी, सारी की सारी कार्बन की होंगी। अब इस परत के अंदर देखो कार्बन का कैसा चित्र होता है, मैं एक परत बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये आपका कार्बन हुआ, एक कार्बन किससे जुड़ा हुआ होगा, 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, एक ही परत की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आप अपनी बुक को लेकर बैठो, इसी के लिए मैं बोल रहा हूं आपको, अच्छे से समझ में आएगा, बुक लेकर बैठ जाओ। देखो ऐसा कुछ बनाया है बुक में, ठीक है, एक कार्बन, ये सिर्फ ये परत की ही बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, अभी तक यहां नहीं पहुंचे हम लोग। एक ही परत में एक कार्बन अपने पड़ोस के 3 कार्बनों के साथ बंध बनाता है, और इस आबंध का नाम होता है सहसंयोजक बंध, जिसकी वजह से हम लोग इसको भी क्या कहाँ रखते हैं, सहसंयोजक ठोस कहते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई, सहसंयोजक बंध से बने हुए होते हैं। तो दोस्तों याद करो, अब याद करो कि मैंने आपको, देखो जो बच्चे बायोलॉजी का लेक्चर देख रहे हैं उनको तो ये बातें समझ में आ गई होंगी कि कार्बन, तो याद करो मैंने आपको ग्वानिन और साइटोसिन वाला चित्र पूरा बताया हुआ है बायोलॉजी वाले लेक्चर में, तो वहाँ पे भी मैंने आपको अच्छे से समझा हुआ था कार्बन कितने आबंध बना सकता है, 4। कार्बन 4 आबंध बना सकता है, यहाँ पे कितना बनाया है, 3। मतलब इसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन तो बंध बनाने में यूज हो गए, उपयोग कर लिए गए, लेकिन ये वाला, सॉरी दोस्तों लगता कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने, देखो ये वाला जो 3 इलेक्ट्रॉन है, 7 से मैंने बंध बोल दिया था, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन तो बंध बनाने में उपयोग हो गए। ठीक है,
लेकिन बचा हुआ एक जो इलेक्ट्रॉन है, एक जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, वो कैसा हो गया? मुक्त, क्योंकि वो तो बंधा ही नहीं, कहीं बंधन ही नहीं बनाया उसने, मतलब वो क्या हो गया, घूम सकता है कहीं भी। तो ये कहाँ है, एक परत का चित्र है, तो ऐसे ही सेम चित्र ये वाले भी परत में होगा। तो इलेक्ट्रॉन अपने को यहाँ यहाँ कहीं नहीं देखने को मिलेंगे, कहाँ देखने को मिलेंगे, परतों के बीच में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ बना दे रहा हूँ मैं, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये चौथा वाला इलेक्ट्रॉन है जो परतों के बीच में होंगे, ठीक है। और ये तो कई सारे होंगे, क्योंकि एक ही कार्बन तो होगा नहीं, यहाँ पे बहुत सारे कार्बन होंगे, और हर एक कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कैसे दे रहा है, क्योंकि चार इलेक्ट्रॉन में से तीन इलेक्ट्रॉन तो उसका उपयोग कर ले रहा है आबंध में, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन रह जा रहे हैं, तो वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जा रहे हैं। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, स्वतंत्र, अगर स्वतंत्र है मतलब ये हो गए गतिशील, अगर गतिशील है मतलब क्या हुआ, अगर गतिशील है तो याद करो, अब याद करो अगर गतिशील है तो क्या होगा, मैं इसको यहाँ से विद्युत दूंगा, जब मैं इसको विद्युत दूंगा तो क्या ये विद्युत को यहाँ पे लेके पहुँच जाएगा, क्यों, क्योंकि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है, और स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन विद्युत को बहुत ही अच्छे से लेके जा सकते हैं, मतलब ये विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा सकता है, और बहुत ही आसानी से लेके जा सकता है, तो ये तो विद्युत को लेके जाएगा यहाँ से यहाँ। फिर वैसे ये वाली भी परत में ऐसे ही होगा, ये भी विद्युत को बहुत ही आसानी से लेके जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी विद्युत को बहुत आसानी से लेके जाया जाएगा, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई कि ग्रेफाइट विद्युत का चालक क्यों है, ठीक है, ये पूछ सकते हैं पेपर में एक दो मार्क्स के लिए, ग्रेफाइट चालक विद्युत का चालक क्यों है, क्यों है, क्योंकि ग्रेफाइट में कार्बन की परत होती है, कई परत होने की वजह कार्बन की परतें देखी जाती है, और परत होने की वजह से एक कार्बन, परत होने की वजह से नहीं, देखो एक बार मैं फिर से और ढंग से बोलता हूँ, कार्बन की कई सारी परत देखी जाती है, और परतों में एक कार्बन जो होता है अपने पड़ोसी कार्बन के, एक कार्बन जो होता है अपने पड़ोसी तीन कार्बन से बंध बनाता है, जिसमें उसके तीन इलेक्ट्रॉन उपयोग हो जाते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है जो कि स्वतंत्र होता है, जिसकी वजह से ये विद्युत को यहाँ से लेके यहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये वाला जो बंद होगा, और देखो यहाँ पे ये जो बंद होंगे ना, ये बहुत ही पास पास में होंगे, लेकिन ये जो परतों के बीच की जो लंबाई होगी, ये जो आप देख रहे हैं ना परतों के बीच की जो लंबाई देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा होगी, बहुत दूर दूर होगी, ठीक है। तो बहुत दूर दूर होने की वजह से क्या हो जाएगा, बहुत ही आसानी से ये टूट सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसा बना रहा हूँ, ये देखो ये डॉट 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 बना रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है, ये कमज़ोर को दिखा रहा है, ठीक है, मतलब ये बंद कैसा, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, क्यों है, क्योंकि ये बहुत दूर दूर है, अगर कमज़ोर है तो बहुत ही आसानी से ये टूट जाएगा, लेकिन आपका ये देखो कार्बन कार्बन के बीच में सहसंयोजक बंध है, जो कि एक प्रबल है, वो तो नहीं टूटेगा, लेकिन परतों के बीच का जो बंध है वो टूट जाएगा बड़ी आसानी से, क्योंकि ये बंध बहुत ही दूर दूर, बहुत ही बड़े बड़े, जिसकी वजह से आसानी से टूट सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इसका किस में उपयोग करते हैं, चिकनाई में यूज़ करते हैं। जैसे देखो, जैसे कोई मशीन चल रही हो तो वहाँ देखो दो लोहे के पार्ट आपस में रगड़ाते रहते हैं, तो हम लोग ऐसा चाहते हैं कि वहाँ पर रगड़ ना खाए, तो वहाँ डाल देते हैं, वहाँ पर ये मुलायम का काम करेगा। और सबसे अच्छा उदाहरण मैं बताऊँ आपको, आप देखो पेंसिल, ये जो चित्र बना रहे होंगे आप पेंसिल से बना रहे होंगे, तो जो पेंसिल से आप लिख रहे हो, तो पेंसिल से जो आप लिख रहे हो तो देखो काला काला पूरा लिखा रहा है, तो ये जो काला काला लिखा रहा है क्या है, ये जो नोक दिख रही है वो ग्रेफाइट है, ये तो सहसंयोजक बंध जो कार्बन के बीच में बहुत ही प्रबल है, तो वो नहीं टूटेगा, लेकिन इनके परतों का जो बंध है ये बहुत ही बड़ा बड़ा बंध है, ये छोटा छोटा बंध है, लेकिन ये बहुत बड़ा बड़ा बंध है, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये आसानी से टूट जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या, आप जब लिख रहे हो तो ये वाला बंद उसमें से टूटता जा रहा है, ये वाला बंद टूटता जा रहा है, जिसकी वजह से आप लिखते जा रहे हो। क्या आप पत्थर से लिख सकते हो, क्या नहीं लिख सकते, कुछ भी नहीं लिखाएगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर ऐसा कोई बंद ही नहीं होता जो आसानी से टूट जाए, ठीक है। तो हम लोग ग्रेफाइट से लिख सकते हैं, चिकनाई के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं, और ये विद्युत के चालक भी होते हैं। तो दोस्तों आज का
सारे बातें हो गई खत्म, तो अब हम लोग अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे दोस्तों आगे का। बहुत ही जल्द ये आपका ये चैप्टर मैं ख़त्म कर दूंगा। देखो दोस्तों बायोलॉजी अगर आप लोग नहीं देख रहे तो बायोलॉजी का भी लेक्चर चल रहा है, ठीक है, पर डे मैं अपलोड कर रहा हूँ लेक्चर। देखो बीच में नहीं आ पाया था लेक्चर, कुछ गलती हो गई थी, ठीक है, दूसरे के इसमें ऑफिस में बना रहे थे ट्यूशन में, तो वहाँ नहीं हो पा रहा था बराबर, तो मैंने अपना सब कुछ अभी खुद का कर लिया है। तो अभी तो आपको रोज़ पर डे लेक्चर मिल जाएंगे, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको खाली देखो लेक्चर कुछ 11 बजे तक अपलोड हो जाएगा, वैसे तो 10 बजे तक हो जाता है। क्या होता है कभी कभी रात को देर हो जाती है सोने में, मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ तो मैं भी पढ़ते रहता हूँ तो लेट हो जाता है, तो फिर मुझे सो के उठने में थोड़ी देर हो जाती है, तो मैं थोड़ा देर से अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को बातें समझ में आई होंगी दोस्तों। अगर समझ में आया तो लाइक ज़रूर करो दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, आप लोग मेरे लिए इतना तो कर ही सकते। अगर मैं आपको फ्री में कोचिंग दे रहा हूँ, आप लोग जानते हैं मैं कोचिंग पढ़ाने का, अगर यहाँ पे कोचिंग पढ़ाने का कितना रुपया मिलता है एक घंटे का दोस्तों, 400 रुपये मिलते हैं। अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ दोस्तों फ्री में पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं यही जाके कोई कोचिंग में पढ़ाऊँ ना तो मुझे 400 रुपये मिलेंगे एक घंटे के, ठीक है। तो देखो वो पैसे छोड़ के मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग भी मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो, कम से कम सब्सक्राइब करो, लाइक करो अपने दोस्तों के साथ, शेयर करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और नोट तो आपको लगाना ही है, नोट लगाने में थोड़ी भी मनमानी मत किया करो। चलो।